बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी तथा मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी सहित वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में लोगों को सहायता पैकेज देने के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए। नंबर एक, सभी राशन कार्डधारी परिवारों को एक माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। दो, सभी प्रकार के पेंशनधारियों, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन को अगले 3 माह की पेंशन अग्रिम तौर पर तत्काल दी जाएगी। यह राशि उनके खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। तीसरा, लॉकडाउन क्षेत्र के सभी नगर निकाय क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालय की पंचायत में अवस्थित सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1,000 रुपये प्रति परिवार दिया जाएगा। यह राशि DBT के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की जाएगी। चौथा, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी छात्र छात्राओं को देय छात्रवृत्ति 31 मार्च 2020 तक उनके खाते में दे दी जाएगी। सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मेरा अनुरोध है कि लॉकडाउन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सलाह का सब लोग अनुपालन करें, क्योंकि सबों के सहयोग से ही इस महामारी को निपटने में सफलता मिलेगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सोना एवं चांदियों का हॉलमार्क जेवर का शोरूम, पता न्यू गोपाल ज्वेलर्स, थाना रोड, खगड़िया।